आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स V04 BBA और BCOM ऑनर्स की। देखिए इनका जो है फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी वेटिंग लिस्ट, एक से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनकी पहली लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो इनको पहले मैं बता दूँ आपको एडमिशन लेने कब जाना है। इनको 30 अगस्त और 31 अगस्त को जाना है। और इनको एडमिशन कहाँ लेना है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में लेना है, जो कि गेट नंबर 7 पर है डीन ऑफिस का। और ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। जब ये सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे तभी आपको फीस स्लिप मिलेगा और तभी आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए अपग्रेड, ये जो है BBA में अपग्रेड हुए स्टूडेंट। अपग्रेड का मतलब ये है कि इनका जो कटअप था पहले, इनकी पहली च्वाइस थी BBA, लेकिन इनका जो मार्क्स था वो जो कटअप गया BBA का उसके बराबर नहीं था, BCOM ऑनर्स के बराबर इनका कटअप था, इसलिए इनको BCOM में एडमिशन दे दिया गया। अब क्या हुआ, सीट BBA में खाली हो गई, तो खाली सीट को तो भरना है, तो वही अपग्रेड होकर इसमें आ गए। तो देखिए BBA में जनरल से एक का अपग्रेड हुआ है, मुस्लिम से एक अपग्रेड हुआ है, KM से एक अपग्रेड हुआ है। और BBA में जो नए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए वेटिंग लिस्ट से, वो जनरल से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और JK से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। BCOM ऑनर्स की बात कर ले, अब BCOM ऑनर्स में JK इसकी फर्स्ट चॉइस मिला, अपग्रेड हुआ BBA से। अब इसका जो कटअप था JK का कटअप था वो BCOM का ज़्यादा गया था, है ना, तो इसलिए BCOM में से ऑनर्स में, आप क्योंकि BCOM ऑनर्स का कटअप ज़्यादा था पिछली बार और KM के लिए, इसकी पहली चॉइस ये थी, इसका कटअप इसके बराबर था, इसलिए उसको इसमें एडमिशन मिला। सीट खाली हो गई तो अपग्रेड होगा। अपग्रेड का मसला आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिए BCOM ऑनर्स में जो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए जनरल कैटेगरी से, मुस्लिम कैटेगरी से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए BCOM ऑनर्स में, जामिया इंटरनल से 1 सेलेक्ट हुए हैं, और BCOM ऑनर्स में PWD कैटेगरी से डिसेबिलिटी वाले से 3 सेलेक्ट हुए हैं, KM से 2 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके, आप देख लीजिएगा आपका नाम इसमें वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।